गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल टॉक अबाउट क्लास 11 नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स राइट. इन विच first of all we need to look toward the name of chapter like what it is saying. सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में. लाइक मॉर्फोलॉजी होती क्या है. देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं उनकी स्टडी करना दैट इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी. आई एम सेइंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की जस्ट लाइक इफ आई एम ग्रोइंग ए प्लांट राइट. If I am growing a plant, this is plant. यहाँ पे जो है अपने लगाती है फ्रूट्स लाइक अब प्लांट्स के अंदर जो जो चीजें दिख रही हैं, जो जो पार्ट्स प्लांट के दिख रहे हैं उन सब के बारे में स्टडी करना दैट इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी. सपोज दैट दिस इज फ्लावर राइट. व्हाट इज इट फ्लावर. दीज आर लीव्स. दीज आर ब्रांचेस राइट. दिस इज फ्रूट. Okay, this stem, these are roots. So, externally plant के अंदर जो जो structures दिख रही हैं उनके बारे में अपन study कर रहे हैं that is known as morphology. It means the branch of science, which deals with external parts of living things. It is known as morphology, right? I am saying the morphology is a branch of science. ये science की ऐसी branches जिसके अंदर plant के अंदर जो भी चीजें दिख रही हैं उनको जो है उसके बारे में study करना that branch is known as morphology. If we talk about like this is a plant के अंदर जो है अपन को plant के अंदर जो है अपन को roots दिख रही हैं, stem दिख रहा है, fruit दिख रहा है, branches दिख रही हैं, leaves दिख रही हैं, flowers दिख रहे हैं, इन सब के बारे में जो है बात करना, इन सब के बारे में discuss करना that is known as morphology. Alright? अब बात करते हैं हाउ दिस प्लांट इज ओरिजिनेटेड. इफ यू टॉक अबाउट लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. ये एक सीड है और लाइक सीड जो है चारों तरफ से इट इज सराउंडेड बाय सीड कोट. ओके सीड कोट के जस्ट नीचे पाया जाता है कोटिलेडंस. बीच में पाया जाता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के अंदर जो टॉप रीजन होता है दैट इज नोन एज प्लूमूल. नीचे वाला जो रीजन होता है दैट इज नोन एज रेडिकल. ऑलराइट व्हाट हैपेंस. देखो जैसे ही अपन सीड को जो है खेत के अंदर डाल देते हैं, खेत के अंदर डालने के बाद में सीड जो है वो कंटिन्यूअसली सीड के अंदर जो कोटिलेडंस हैं उनसे एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन लेता रहता है. एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेने के बाद में सीड कोट जो है हैच हो जाता है. हैच होने के बाद में ऊपर की तरफ जो है प्लूमूल ग्रो करता है और नीचे की तरफ जो है रेडिकल ग्रो करता है. प्लूमूल जो है दैट फॉर्म्स अ स्टेम और फ्रूट सिस्टम.
और रेडिकल फॉर्म्स रूट सिस्टम, राइट। तो जो प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे पाया जा रहा है, दैट इज नोन एज रूट सिस्टम। और जो जमीन के ऊपर पाया जा रहा है, दैट इज नोन एज रूट सिस्टम। लिसन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनिमल पार्ट, प्लांट पार्ट और लिविंग थिंग्स, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। Basically, in this chapter, we are talking about angiospermic plants. देखिए इसमें दे रखा है flowering plants. Flowers हमेशा किसके अंदर आते हैं? Angiosperms के अंदर. Flowers जो है हमेशा angiosperms के अंदर आते हैं. तो इस chapter के अंदर basically अपन ऐसे plants के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर क्या आते हैं? Flowers आते हैं. Basically, plant के अंदर जो है कुछ parts देखने को मिलते हैं. Majorly दो are classified into two parts. Number one is the root system. Number second is shoot system. प्लांट के वो पार्ट जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, फिर प्लांट का वो पार्ट जो कि किससे डेवलप होता है? रेडिकल से डेवलप होता है। प्लांट का वो पार्ट जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होता है, दैट इज नोन एज रूट सिस्टम। और प्लांट का वो पार्ट जो कि एम्ब्रियो के प्यूमूल से डेवलप होता है, दैट इज नोन एज शूट सिस्टम। इन अनदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से, दूसरे शब्दों में अपन ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट का वो पार्ट जो जमीन से नीचे पाया जाता है, दैट इज नोन एज रूट सिस्टम। और प्लांट का वो पार्ट जो अबोध जमाउन अबोध ग्राउंड पाया जाता है, जमीन से ऊपर पाया जाता है, दैट इज नोन एज शूट सिस्टम। ऑलराइट, तो रूट सिस्टम के अंदर जो है वी ब्रॉडली गोना टॉक अबाउट द रूट्स। रूट्स होती क्या है? ऑलराइट, रूट्स जो है ये कितने टाइप की होती है, रूट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेम वैसे ही अपन जो है शूट सिस्टम के अंदर भी जो है अपन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेम होता क्या है, स्टेम के टाइप्स, स्टेम की फंक्शन। ऑलराइट, इसके अलावा फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रांचेस के बारे में बात करने वाले हैं, लीव्स के बारे में बात करने वाले हैं और फ्लावर के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में टुमारो विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक, दैट इज रूट सिस्टम। इसके बारे में बात करेंगे अपन, रूट सिस्टम के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।